हाय रेडियो सिटी पर, मेरा नाम गगन है और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रतिभा। और जैसा कि आपको मालूम है, आप पीछे देख रहे होंगे, आज हम कहाँ जाने वाले हैं, हम यहाँ क्यों जाने वाले हैं, क्योंकि हमको पता चला है कि यहाँ पर हमारे जैसे कुछ बहुत अमेजिंग लोग हैं और उन्होंने एक हमारे जैसी दुनिया चालू कर दी। क्या है वो हमारी दुनिया जैसी? जैसे कि हम रेडियो जॉकीज है। एग्जैक्टली, अंदर भी रेडियो जॉकीज है, अंदर एक एफएम स्टेशन शुरू हुआ है। तो भाई जानने तो बनता है कि अंदर के आरजेस बाहर के आरजेस से बेटर तो नहीं, तो आइए चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस कारागार का निर्माण मूल रूप से 12वीं सदी के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह गाजी के शासनकाल में सन 1741 में मीर वजीरुद्दीन खान मुख्ताब और मीर जलालुद्दीन द्वारा हज पर आने जाने वाले यात्रियों के आराम के लिए करवाया गया। कालांतर में आवश्यक परिवर्तन करके इसका उपयोग कारागार के तौर पर किया जा रहा है। और आज इस ऐतिहासिक जेल में एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है, एफएम रेडियो की शुरुआत हुई है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का आइडिया क्या था। शुरुआत ऐसे हुई कि हम लोग बंदियों को गाना सुनाते थे, जैसे कि मायूसी से बाहर आए, मन में कोई विचार ना आए। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि सर हमारा भी रेडियो होना चाहिए। लोग एफएम रेडियो सुनते थे, बंदियों के लिए भी चलाते थे, तो उन्होंने कहा सर हमारा क्यों नहीं हो सकता। तो उन्होंने जब ये आइडिया दिया तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैंने अपने सर से बात की, शिक्षक महोदय से, मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है, किया जा सकता है। तो हम लोगों ने दो चार आरजे इकट्ठे किए, उनसे कहा कि आप प्रेजेंट कर पाएंगे, तो उन्होंने कहा हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने जब बुलाया गया उसको, हाँ बोलने का हाँ मौका दिया गया, बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया। और जब उन्होंने प्रेजेंट किया तो सर ने कहा बिल्कुल इसको शुरू कर दीजिए। तो भाई इन अमेजिंग आरजेस की प्रेजेंटेशन स्किल और इस ब्यूटीफुल एफएम रेडियो स्टेशन को आइए देखते हैं। और ये है इनका रेडियो स्टेशन, आइए एक नजर डालते हैं। कोई भी एफएम स्टेशन बिना आरजेस के अधूरा है, तो आइए इस एफएम स्टेशन के होनहार आरजेस की एक झलक। आज का हमारा प्रोग्राम के सेगमेंट्स इस तरह से रहेंगे। एज यूजुअल हम मायरा बैरक के बच्चों से स्टार्ट करेंगे, उनकी कुछ क्यूट सी वंडरफुल सी पोएम्स से, कुछ स्टोरीज, एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट सेगमेंट जो मायरा बैरक से होगा, एक भजन। लाला जी ने केला खाया, केले का कम उठता है, पिचका का चोटला है, कदम बड़ा है, कदम के नीचे झुकाया, लाला जी हड्डी पतली दोनों टूटी, वेरी गुड गौरव। तो ये थे हमारे महिला पैरक के बच्चे, अब हम अपने कार्यक्रम के दूसरी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा तो पागल वो ही है जो पागल बाके बिहारी। यह रेडियो बंदियों के द्वारा बंदियों के लिए है। इस जिला जेल आगरा रेडियो को प्रारंभ करने का उद्देश्य हम लोगों का बंदियों में पर्याप्त नकारात्मकता को समाप्त करना तथा बंदियों के तनाव को कम करना है, क्योंकि बंदी ही रेडियो जाकी है, इसलिए बंदियों को अपनापन महसूस होगा तथा अपने ही जैसे व्यक्ति द्वारा कथा और व्यथा सुनकर अच्छा महसूस करेंगे। ये लोग अपने मनपसंद गाने भी सुनेंगे तथा बंदियों द्वारा लिखी कविताएँ भी पढ़ेंगी। बंदी ही नहीं, यहाँ अपनी माताओं के साथ रह रहे बच्चे जो बंद हैं, निरुद्ध हैं, वो भी अपनी कविताएँ सुनाएंगे, जो कि एक नया प्रयोग है। इस रेडियो प्रारंभ करने में तिनका तिनका की डॉक्टर वर्तिका नंदा जी का विशेष योगदान सराहनीय है। गानों की विशेषता होती है को हमारे दिल से जुड़ जाते हैं, इसलिए हमने इसका टैग सुनो मन से रखा है। आशा है रेडियो बंदियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। जय हिंद।